2024 का साल बॉलीवुड और साउथ सिनेमा के लिए मिश्रित रहा। जहां कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुईं, वहीं कुछ ने शानदार सफलता हासिल की। इन दिनों कई नई फिल्में सिनेमाघरों में प्रदर्शित हो रही हैं, जिनमें द साबरमती रिपोर्ट, भूल भुलैया 3, सिंघम अगेन, कंगुआ और अमरंत शामिल हैं। 2002 के गोधरा ट्रेन कांड पर आधारित फिल्म द साबरमती रिपोर्ट ने अपनी रिलीज के एक सप्ताह में महज 11.5 करोड़ रुपए की कमाई की है, जबकि कई राज्यों में इसे टैक्स फ्री भी कर दिया गया है। हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 3 दर्शकों से मिल रही जबरदस्त प्रतिक्रिया के साथ 240.65 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है और इसे उम्मीद है कि यह जल्द ही 250 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी। रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन, जिसमें अजय देवगन और करीना कपूर खान जैसे बड़े सितारे हैं, बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही है और 3 हफ्तों में सिर्फ 236.7 करोड़ रुपए की कमाई कर पाई है। वहीं साउथ की फिल्म अमरन 150 करोड़ रुपए के कलेक्शन को पार कर चुकी है और 200 करोड़ तक पहुंचने की ओर बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।